खाटू श्याम जी के मेले को लेकर राजधानी जयपुर के मंदिरों से पदयात्राओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में श्री श्याम एकादशी समिति की ओर से ध्वज पूजन कर खाटू बाबा की पदयात्रा रवाना की गई। इस दौरान चार दीवारी में जगह जगह पदयात्रा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वहीं पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। सचिव नीरज शर्मा ने बताया कि समिति की 22वीं पदयात्रा है। 3 मार्च को पदयात्रा खाटू पहुंचेगी, जहां श्याम मंदिर में निशान चढ़ाया जाएगा। श्याम एकादशी समिति की 22वीं पदयात्रा है, जो चैतन्य महादेव का मंदिर बीत के बालाजी की गली जलानुषी का रास्ता से रवाना होकर अपने गोपीनाथ जी का मंदिर होते हुए भगरौल का रास्ते होते हुए चांदपुल हनुमान जी के पहली ध्वजा अर्पित करेगी, फिर हनुमान गणेश जी के अर्पित करके खाटू धाम के लिए जाएगी। ये हम 3 तारीख को बाबा के धाम पहुँचेंगे और बाबा के धाम वहाँ पहुँच कर वहाँ निशान अर्पित कर हमारी यात्रा सम्पूर्ण करेंगे।